यूपी के फतेहपुर जिले में वर्ग विशेष के लोगों ने एक दलित युवक को आम की पत्ती तोड़ने पर पहले तो बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद दलित युवक पर सोने की जंजीर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस से प्रताड़ित करने की नापाक साजिश रची, जिससे आहत होकर दलित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मलवा थाना क्षेत्र के आस्था गाँव का है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मां कलावती का कहना है कि उसका 28 वर्षीय बेटा धर्मपाल दिवाकर बकरी चराने के लिए जंगल की तरफ गया था, तभी गांव के सलमान और नूर मोहम्मद ने उसके बेटे पर आम की पत्ती तोड़ने का आरोप लगाकर बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध कर बीच बचाव करना चाहा तो दबंगों ने उसे भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की। यूपी 112 पर कॉल कर उसके बेटे पर सोने की जंजीर छीनने का झूठा आरोप लगा दिया, जिससे आहत होकर उसके बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। वहीं इस मामले में मृतक युवक का पिता रामपति दिवाकर ने बताया कि गांव के नूर मोहम्मद और सलमान ने उसके बेटे पर पहले तो आम की पत्ती तोड़ने का आरोप लगाया, उसके बाद जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से मारा पीटा और फिर बाद में यूपी 112 पर फोन करके उसके बेटे पर सोने की जंजीर चुराने का झूठा आरोप लगाया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर मुख्य दो आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जी तो बकरी कहीं पत्ता झोल दी थी तो मैं कहा हमारे पत्ता कहे झोल दी हरी गरी उसके ने मारे ने गिरा गिरा छाती में चढ़ से नटाई दाब दाब वहाँ पकड़ पकड़ पहटा से कढ़ी ले नहीं छुटा और छुटा बता जो कहो तो छोड़ नहीं का हमका खोसड़ी वाले का लात कहीं से पटा ठीक है कल लात कहीं से जाई तो जान निकाल ले फिर हम कही जब तुम मर गई हो तो तुमका बात के निपटे में का हुई इतनी बात हमसे ठीक है। फिर लड़के ने क्या किया? लड़का भाग गया हुआ वहाँ से कब को नहीं कुछ बके है ना अब बुलवावत था कहीं हमारे एक चुप लग जाइए छीन लिए पुलिस वाले कहें कि बताते एक चुप लग जाइए छीन लिए सबसे पूछे थे हम को नहीं दिखाएगा जंजीर पहरे जंजीर पहरी का तो नहीं चला था तो बस वही मैं नहीं बता तो सब है पुलिस वाले कहाँ की भोसड़ी वाले को बताओ पुलिस पुलिस वाले किनके बुलाने पे आए थे उनके कैसे आ रहे क्या बोल रहे थे आके कहते हैं कि एक तो लगी जंजीर चोरानी एक तो लगी जंजीर चोराए कहा कोई दिखा पहने तो सब को जितना जनता ठहरा कहा हम साहेब नहीं दिखा कतो जंजीर पहने रात दिन गाड़ी चलाओ थे जंजीर पहन कभी चला थे ठगरी लगा लगाई कपड़ा पहने जंजीर कभी पहन के पहले मारा पीटा फिर जंजीर का क्या घर में खींच लिया जंजीर चोरा लेन और मारे पीटे क्या नाम है आप एक नाम बताओ एक वाह नूर मोहम्मद और वाह सलमान उनका बाप अकबर का मां मोबाइल चोरा ली क्या नाम है आपका हमार बोली क्या हुआ था लगे था साहब पत्ते तोड़ा और बद्दी बद्दी गाली दिया और गाली देने के बाद कहें गाली कह देते हो तो कहें साले क्यों ऐसे ऐसे किया तो उसको उठा उठा के पटने लगे साहब दो आदमी थे वो अकेला था फिर क्या हुआ पहले डंडों से मारा फिर इसके बाद उसके घसीट घसीट मारा फिर चढ़ चढ़ बैठते थे फिर महतारी पहुंची छुटाती थे कहें इसको साले को जान से मार देंगे साहब तो फिर महतारी को भी ढकेल दिया तो गिर गए साहब गिरने के बाद फिर वो उसको लोग बाग पहुंचे तब उसको पकड़ के लड़के का अपने बुलवा लिया हमने कहा ठीक है इसके बाद साहब पुलिस आई साहब पुलिस आई तो उसको सोने की जंजीर का एक तोला कि उसको चोरी लगा दिए तो वो मारे शर्मों के चोरी के कारण वो फांसी लगाया इन्होंने साहब देखा मौके में उसके घर आए और खम्भे के बगल में उसकी फांसी लगी और पुलिस आके देखा वो भी देखा उसको साहब पकड़ा नहीं गया वो छोड़ दिया गया। कौन लोग थे जिन्होंने मारा पीटा था? वही का नाम नहीं नूर मोहम्मद थे साहब और वो नहीं सलमान साहब दो लोग थे ये लोग दो लोग थे तो घर में आके फांसी इसने लगाया हाँ साहब घर में आके मारे काली के घर में आके फांसी लगा लिया सोने की जंजीर की उसको चोरी लगाया ने पत्ता किसी काहे के लिए तोड़ने गया था साहब बकरी चरा रहा था बकरी चराने में डंडा मार दिया हो कि घरिया दी बकरी का तो बस इतनी ही लड़ाई क्या नाम है आपका हमारा नाम साहब रामपति देखिए मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आस्था गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने फांसी लगाई है जिस सूचना पर थाना प्रभारी और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे वहां पर परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि दोपहर को इसका कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था जिसके चलते इसके द्वारा फांसी लगाई गई
इस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनमें से जो मुख्य दो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।